कभी सोचा है कि अगर आपकी जिंदगी से कभी कोई विलेन हिंदी फिल्मों के सुनहरे गानों को गायब कर दे तो आप सबको कितनी सारी इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारी फिल्मी गाने हमारी जिंदगी के हर पन्ने में किसी न किसी तरह अपनी जगह बना लेती है, चाहे वो खुशी हो या फिर गम, रोमांस हो या फिर जुदाई, यहाँ तक कि जन्म और मृत्यु पर भी फिल्मी गाने परफेक्टली फिट होते हैं। तभी तो हम कहते हैं गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं कुछ पल पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम। हिंदी फिल्मों के गाने से जुड़ी है बहुत लोगों के ख्वाब और इन सपनों को साकार करने के लिए हजारों लोग केवल भारत से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से सपनों के शहर मुंबई नगरी में आते हैं। ऐसे ही कुछ नामचीन आवाजों से आप सबकी मुलाकात पहले भी बहुत बार करवाई हूं, पर आज जिनसे आप सबको मिलवाऊंगी वो इस पीढ़ी की उभरती हुई नई आवाज है जिन्होंने बहुत मेहनत और लगन से अपनी एक पहचान बनाई है। द सुपर टैलेंटेड सिंगर शिल्पा राव। वेलकम शिल्पा। थैंक यू सो मच। शिल्पा, हिंदी फिल्मों में जो संगीत है उस फील्ड में काफी सालों से जो फीमेल वॉइस है उनमें दो नाम जो है उन लोगों ने रूल किया हुआ है। उसके बाद फिर दो आवाज़ें आई, पहले दो आवाज़ें थी लता जी और आशा जी की, फिर आए अलका जी कविता जी, फिर आए श्रेया सुनिधि, और अब आप लोगों के दौर में आप खुद को और खुद के साथ किनको मैच करती हो? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन आई फील देयर आर लॉट ऑफ वॉइसेस जो आप इस दौरान एल्बम्स में देख रहे हैं एंड सबका होना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट मी, आई कैन नॉट सिंग एवरीथिंग, आई बी वेरी ऑनेस्ट। हर एक आवाज़ की अपनी एक पहचान है, नन ऑफ द टू वॉइस आर द सेम। जितनी डाइवर्सिटी अभी है, जिस तरह की जॉनराज अभी आप देख रहे हैं गानों में, यू हैव जैज, यू हैव क्लासिकल, यू हैव इलेक्ट्रॉनिक्स, पहले भी थी पर उस टाइम क्या था कि जो सिंगर्स आते थे जैसे लता जी थे वो हर किस्म के गाने गा पाती थी, पर आज की जो सिंगर्स है जो नई आवाज़ें हैं, जैसे आप खुद कह रही हैं कि मेरी आवाज़ सिर्फ एक पर्टिकुलर जॉनर को सूट करता है, वैसे ही ज़्यादातर जो आवाज़ें आज हम पसंद कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर एक ढांचे में फिट होती है और वहीं पे मतलब फंस जाती है, मेरा ये कहना है। तो फिर प्रोग्रेस उसके आगे कहाँ होगी? दैट हैपेंस विद टाइम। आई थिंक द फर्स्ट सॉन्ग व्हिच आई स्टार्टेड ऑफ वाज तोसे नैना लागे, व्हिच वाज अ सूफी जॉनर। उसके बाद फिर एक गाना किया जैसे फॉर एग्जांपल खुदा जाने, व्हेन आई फर्स्ट हर्ड इट मुझे लगा आई वोंट बी एबल टू सिंग इट, बट देन विशाल शेखर दे हैव अ विजन, और जिस तरह का सपोर्ट उन्होंने दिखाया कि नहीं शिल्पा यू कैन डू दिस, सो आई थिंक दैट हेल्प मी सिंग दैट जॉनर आल्सो। आई नेवर थॉट आई कुड डू अ रोमांटिक सॉन्ग, बट देन विद टाइम विद प्रोजेक्ट आप अपनी पर्सनालिटी को बदलते हैं, यू ट्राई एंड लर्न, ट्राई एंड अडैप्ट। All of us are kind of progressing bit by bit. शिल्पा राव की जिंदगी के पन्नों से जुड़ी कुछ और बातें कुछ ही देर में और कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। कुछ पन्ने जिंदगी के